सुबह के गुड मॉर्निंग और सबको है राम राम। पहुंच गए सर इंदौर और ये रहा सुबह सुबह इंदौर का नज़ारा। और अभी जस्ट ट्रेन से उतरा, अभी ऑटो लेकर के हम निकल रहा हूँ बस अड्डे, फिर वहाँ से कर लेंगे वॉल्वो। ये निकल पड़ी सवारी और अभी यहाँ से लगभग 12 बजे के आसपास मैं पहुँचूँगा भोपाल। अब देखो वहाँ से गाड़ी कितने बजे मिलती है, पहले तो डिपेंड करता है उसके ऊपर पे। ये क्या भैया बगल पे, ये बाजू पे इधर पे घंटा। अच्छा घंटा घर। अच्छा इंदौर का फेमस क्या है आपने इधर खाने में के देखने में? नहीं देखने में, देखने में राजवाड़ा है, पितृ पर्वत है। अच्छा अंडा घर है, चिड़िया घर है, बहुत सारी है। अच्छा और खाने में? खाने में तो बहुत सारी चीजें सर, यहाँ तो जो खाओ वो। अच्छा वो बढ़िया पोहा प्रसिद्ध है। पोहा तो खैर पता है यहाँ का। हाँ पोहा और जलेबी। अच्छा इंदौर का सबसे मेन चलन यही है। अच्छा 12 बजे तक आपको यही नाश्ता मिलेगा। अरे क्या बात। तो यार पहुँच गया बस अड्डे पे। हियर इज द बस, हियर ये अपनी वॉल्वो और ये आ रहा का बस अड्डा। वैसे सीधा भोपाल, लगभग 3 घंटे की आई थिंक की जर्नी है, 200 किलोमीटर के आसपास यहाँ से भोपाल है, तो लगभग 3 घंटा लग जाएगा। और ये सुपर फास्ट है, मतलब केवल 2 जगह इसका स्टॉप है, एक 100 किलोमीटर पर जाके रुकेगी, एक फिर सीधा भोपाल जाके रुकेगी। ये मेरे लिए अच्छा है, तो चलो करते हैं जर्नी तय। यार अभी रुक गया रास्ते पे, गाड़ी हो गया ख़राब, गाड़ी शायद गर्म हो रही है इनकी, अभी ए सी जी का रोक दिया मैंने। अभी क्या तो रहे हैं स्टॉप आगे दूसरी जगह पे करके, शायद ओवर हीट हो रही है गाड़ी। पानी डाल लें ओवर हीट कम करने के लिए। फिर ये आ गए हैं हम लोग, अभी एक अभी गाड़ी यहाँ रुकी हुई है सारे रेस्टोरेंट में। अगर यहाँ कहीं जूस मिलता है तो लेट टू सी, कहीं जूस कॉर्नर तो दिख नहीं रहा भाई। नहीं यार कहीं फ्रेश जूस नहीं गया। यार अभी पहुंच गए हैं भोपाल पे और ये कर गया भोपाल की एंट्री। एंट्री है अपना भोपाल की, फंसे हम लोग ऐसा रॉकेट बना के लेके जा रहे हैं ना उनको। पहले खरीदी थी तो खुले मिठाई और थोड़ा फलफूल, देखते हैं यहाँ पे अच्छी सी। तो यार पहुँच गया दीदी के घर, बहुत लंबे से बाद आज पूरे हो गए हैं आई थिंक 9 साल। और ये रहे हमारे भिंजो, 9 साल बाद आज भिंजो से। देखो यार जवान छोड़ के गया था और सफ़ेद बाल मिल रहे हैं मेरे को, वो देखो ये हमारे दीदी, एक देखो। तो यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो अभी छुटका गया नहाने के लिए और बड़े हमारे बने हैं डॉक्टर साहब, तो हो गए हैं हमने पढ़ाई के लिए, छुटका हमारा बना आजकल क्रिकेटर, अभी आने दो उसको, फिर उसके हम मस्ती करते हैं थोड़ी देर। अच्छा यार ये एक नई चीज़ दिख रही है यहाँ पर, ये झांकी है
तो यहाँ पर अलग अलग तरह के कैरेक्टरों को इस तरह से ना पिक्चराइज करते हैं, और फिर जैसे किसी के कोई एक्टिंग करेगा और इनको हिलाएगा और फिर उधर बोलेगा, मतलब जैसे मान लो मोगेम्बो बनाया तो पीछे से आवाज़ आएगी मोगेम्बो खुश हुआ और वो उसको हिलाएगा, मतलब पीछे से पकड़ करके इस तरह से कुछ। देखो यहाँ हनुमान जी भी बना रखे हैं साइड से, तो अलग अलग रोल में इन्होंने, और यहाँ पर चल रही है पूजा हमारे हुआ यहाँ पर दुर्गा माँ के, क्या सुंदर लग रहा है। यार यहाँ पर हर चौराहे पे, अभी थोड़ा और कदम चले थे तो एक और यहाँ पर माता की मूर्ति की पूजा हो रही है, और ये देखो एक चौराहे पे, ये देखो यहाँ पर भी काली माता की लगी हुई है, हर चौराहे पे एक फोटो लगी हुई है, एक आगे भी लगी है। यार अभी यहाँ पर ये सामने आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर भी अपना मंदिर बना हुआ है, और अभी इसके अभी ये है भोपाल की मंडी, अभी सब लोग निकले हैं हम लोग घूमने के लिए। और यहाँ पर भी अभी एक मूर्ति बैठाई है, अच्छा अंदर चलना है, मंडी का रास्ता है, अच्छा रास्ता ही मंडी का, अशोका गार्डन की मंडी है भोपाल की, भोपाल के हिसाब से, अच्छा अशोका गार्डन की मंडी है। ये देखो सामने क्या बात है, यार ये सबसे अच्छी चीज़ है ना, हर गली में, मतलब मुझे कोई गली ऐसी नहीं दिखी जहाँ पर ना लगी हो, हर गली पे एक मूर्ति लगी हुई है। दुर्गा उत्सव समिति आप सभी धर्मगिरी भट्टियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है एवं प्रस्तुत करके माता रानी की गलियों में भी यहाँ पर सब लोगों ने अपने अपने दुर्गा जी बैठाए हैं पूजा करने के लिए, तो ये एक बड़ा अच्छा लगा यहाँ देख करके कि हर गली में अपने अपने दुर्गा बैठा रखी है, हर कॉलोनी वालों ने, हर गली ने। प्रणाम परम पितामह, हे प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ प्रभु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ पुत्र वर्मा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, यदि आप प्रसन्न हैं दान मांगता हूं आपसे, मैं तुम्हें अमर होने का वर नहीं दे सकता, पर तुम मृत्यु को शर्तों से बांध सकते हो, तुम जैसी स्थिति में मरना नहीं चाहते उसका वरदान। तो फिर परम पितामह मुझे वर दीजिए, मुझे न अस्त्र से मृत्यु आए शस्त्र से, मैं न जन्म मरू न फल में, मुझे आए मैं न घर के अंदर मरू न घर के बाहर, मैं न आकाश में मरू न पाताल में, न
शैया पर मुझे मृत्यु आए, न धरती पर, न मानव से मरूं, न दानव से, न पशु से मरूं, न पक्षी से, मैं अपराजय हूं। तथास तो यार घूम करके आ गए, अरब हो गया है, सोने का टाइम रात के बज गया 11:30। अभी एक कानपुर से मशीन फाइनल भी है तो उसके फॉर्म भरना है, बाकी अभी वीडियो एडिट करनी है लगभग 12 बजे तक का, फिर आराम से सोते हैं। तो सी यू, गुड नाइट, मिलते कल सुबह।